हमें लगता है अब आपको पिता और पुत्री से उठ करके अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। बदायूं सांसद संगमित्रा मौर्य भड़क गईं। प्रश्न था उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, मगर उसे सुनते ही संगमित्रा मौर्य का पारा ऐसा चढ़ा कि पिछले 2-2.5 साल का हवाला दे डाला। हमें लगता है अब आपको पिता और पुत्री से उठ करके अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग हर दिन अपने बयानों से सुर्खियाँ बटोरते हैं, तो बेटी का एक दिन तो सनसनी मचाना बनता है। लेकिन सांसद संगमित्रा मौर्य का ये गुस्सा ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक लंबा वक्त और लंबी बयानबाजी का सिलसिला है। ऊपर से लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी से इस बार संगमित्रा को टिकट मिलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में सांसद जी को गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा, मगर हाँ, गुस्से में भी वो खुद को बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता बताना नहीं भूली। हमें लगता है अब आपको पिता और पुत्री से उठ करके अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ, तो जब कार्य जिस चीज का हो सवाल उस पर होना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे, तब उन्होंने अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य के लिए बीजेपी का टिकट सेट कर दिया था और पहली ही बार में सांसदी का टिकट पाई संगमित्रा मोदी लहर में जीत भी गईं और उन्होंने सपा के बदायूं से दिग्गज धर्मेंद्र यादव को मैदान में हरा दिया। मगर 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से स्वामी प्रसाद मौर्य सपाई हो गए। उनकी बेटी संगमित्रा ने भी बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं पर आरोप लगाए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। मगर स्वामी प्रसाद ने बीजेपी और सनातन के विरोध में इतने बयान दिए कि उनकी इमेज के साथ साथ संगमित्रा की भी इमेज में खूब डेंट लगे। इसका कुल नतीजा ये निकला कि इस बार बीजेपी से उनको दोबारा टिकट मिलना, इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, सपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत भी न घर का न घाट का जैसी हो गई। सो उन्होंने अखिलेश से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर दिया। अब ऐसा ऐलान संगमित्रा तो कर नहीं सकती, सो सांसद जी मीडिया पर नाराज होकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। हमें लगता है अब आपको पिता और पुत्री से उठ करके अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ, तो जब कार्य जिस चीज का हो सवाल उस पर होना चाहिए। वैसे बीते विधानसभा और निकाय चुनाव में भी सांसद संगमित्रा बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में शामिल नहीं हुई थी, फिर आखिर के एक महीने पहले वो सक्रिय हो गयी। मगर अब बीजेपी नेताओं का मन उखड़ा सा लगता है। साथ ही बीती 27 जनवरी को मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें मंच पर कुर्सी मिली, मगर संबोधन का अवसर नहीं मिला। इससे पहले जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिलसी आए थे, तब भी उन्हें मंच पर स्थान तो मिला, लेकिन संबोधन का अवसर नहीं दिया गया। हालांकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान संगमित्रा आयोजन में लगातार सक्रिय दिखी, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उन पर दोबारा भरोसा जताती है या नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।